बड़ी खबर को अपने दर्शकों को बता दें, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। आज पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का जन्मदिन है, लेकिन अपना जन्मदिन रमन सिंह नहीं मनाएंगे, ये बड़ी खबर आपको बता दें। कवर्धा में हुए सांप्रदायिक तनाव का उन्होंने हवाला दिया है और ये कहा है कि वो अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। तो अपना जन्मदिन नहीं मनाने का ऐलान किया है डॉक्टर रमन सिंह ने, उन्होंने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है। और ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर अपने ट्वीट में क्या रमन सिंह की ओर से लिखा गया है। तो आज पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का जन्मदिन है, लेकिन अपना जन्मदिन नहीं मनाने का उन्होंने फैसला लिया है। कवर्धा में हुए सांप्रदायिक तनाव का हवाला दिया है और उन्होंने ट्विटर के माध्यम से ये बात कही है। रमन सिंह ने ट्विटर पर यह जानकारी दी है और अपने जन्मदिन नहीं मनाने का ऐलान किया है। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, आज जन्मदिन है डॉक्टर रमन सिंह का, लेकिन अपना जन्मदिन नहीं मना रहे हैं आज रमन सिंह। बिल्कुल पराग, आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का जन्मदिन है, लेकिन उन्होंने इसे पूरी तरीके से नहीं मनाने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने एक ट्वीट भी किया और इसके पीछे उन्होंने कवर्धा घटना को बताया है कि कवर्धा घटना भी जिस तरह के से उनके अपने लोगों पर राज्य सरकार द्वारा दुर्भावनावश FIR की गई है, उनके अपने लोग जेल में बंद है, तो ऐसे में वह जन्मदिन नहीं मनाएंगे। और यदि कोई भी व्यक्ति अगर शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता है तो वर्चुअल तरीके से कर सकता है। किसी भी का आयोजन यहाँ पर नहीं किया जा रहा है रमन सिंह के जन्मदिन को उपलक्ष्य में। तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का ये बड़ा बयान भी आया ट्विटर के माध्यम से कि वह जन्मदिन नहीं मनाएंगे, क्योंकि कवर्धा में जिस तरीके से राज्य सरकार ने तनावपूर्ण माहौल क्रिएट किया और उसके बाद उसका पूरा ठीकरा भाजपा के ऊपर फोड़ते हुए 200 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के सुपुत्र अभिषेक सिंह भी शामिल है, तो ऐसे में उन्होंने ट्वीट किया है कि अपने लोगों के लिए जो जेल में बंद है, मैं उनके कारण यह जन्मदिन नहीं मना रहा हूं। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमें जानकारी और इस बातचीत के लिए। संवाददाता अमित चौरसिया हमारे साथ जुड़े और जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।